भारत माता की जय। भारत माता की नमस्ते। महात्मा गांधी जैसा महानायक जो हुआ खाली जो बांग्लादेश और बंगाल के बॉर्डर पे जो परेशानी थी, अकेले उन्होंने मोर्चा संभाला और जहां लाखों सैनिक हम कश्मीर और पंजाब के बहुत नहीं संभाल पा रही थी इसके समस्या को, वहां एक अकेला व्यक्ति उन्होंने नोआखाली और बांग्लादेश और बांग्लादेश के बॉर्डर के दलदल में हजारों किलोमीटर के दलदल में, जिसको आज भी हम लोग सुंदरबन बन का डेल्टा बोलते हैं, जहाँ आज भी इंसान को जाना मुश्किल होता है, उन जंगलों में उस बिहारों में गांधी ने शांति स्थापित किया। वैसा नेतृत्व वाला नेता करने में अगर हमारा देश का इतिहास हजारों साल का है तो उसमें हम कभी भी आक्रमणकारी नहीं रहे हैं। हमने आक्रमण को झेला है, अपनी रक्षा के लिए लड़े हैं, हम लोग शहादत भी दिए हैं और हम जरूरत पर दुनिया के कई हिस्सों में भारतीय सेना लोगों के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए हमारे अभियान चलाए गए। वह बांग्लादेश से लेकर माली से लेकर के कई जो हमारे पड़ोस के देश हैं या उन जगहों पे जहाँ हम एक विषय भगत सिंह जी हुए हैं जिन्होंने रामगुरु सुखदेव भगत सिंह एक सच्चे दोस्त थे, इन्होंने आजादी के लिए अपनी जान दे दी। अंग्रेज ने एक बहुत बोला उनको राम भगत सिंह और हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे, तुम्हें मजाक ले जाएंगे, लेकिन उसको फिर भगत सिंह ने कहा अंग्रेज मेरे को ये मत लालच दे, हमने तो जब मत ये मत में कदम रखा था नौकरी दी जाएगी और एक सैनिक के रूप में जितनी सुविधाएं है उनके परिवार को मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं कि शहीद का दर्जा क्या व्यवस्था है। ये राजनीतिक मसला नहीं है, मैं अपने भी कहता हूँ देश की आजादी में सैनिकों का मनोर नहीं, भारत की आजादी में क्यों नहीं लड़ाई, वो महात्मा गांधी के वो बिना डंडा सोटा वाले लोग जीते थे, वो एक अलग लड़ाई है। आदमी लोग भारतीय सेना की तरफ से यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों को मैं नमन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और 18वें गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। हमें अपने ECHS के कन्वीनर साहब से मैं आग्रह करता हूं कि हमें भी गर्व है कि बक्सर जिला के 10,000 सैनिकों और उनके परिवारों को हंस है ताकत वतन की, हंस है हिम्मत वतन की, हंस है इंसान के हम रखवाले, सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विंध्याचल का बल है, मन में ताज महल है। सागर साहब, IESM बक्सर के समस्त पदाधिकारी गण, डॉक्टर पीके सिंह, डॉक्टर आलम और भी जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं यहाँ उपस्थित, हमारे प्यारे बहादुर पूर्व सैनिक, उनके परिवार, श्रद्धामयी माताएं जिनकी शक्ति से हम लोग चल रहे हैं, सबको मेरी तरफ से आज हमारी आजादी के दिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हमको इतनी ताकत दें कि हम इस आजादी को अक्षुण रखें और अपनी मातृभूमि को, अपने इस राष्ट्र को और गौरवान्वित करें
गंभीर मुद्रा में हमारे बड़े भाई राजद के जिला अध्यक्ष शेषनाथ जी बैठे हैं, उन्हें भी सलाम करता हूं मैं मंच के माध्यम से। आगे की सब में मैंने कहा कि नेता बहुत होते हैं लेकिन राजनेता अकेला हमारे बस्तर में है जिसे संजय राजनेता कहते हैं। सरवन जी हमारे छोटे भाई बैठे हैं, आप बैठ कर नहीं बल्कि अपने छोटे कद को ऊंचा करके ताली बजा के सैनिकों को ये बता दीजिए।